साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है, जो बोलने का उद्देश्य है कि इस देश भर में आरएसएस के द्वारा दलित शोषित समाज के ऊपर जो शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ हम कैसे आवाज उठाएं, कैसे एकत्रित हो जाएं। भीमा कोरे गांव में जो हमारे खिलाफ उत्पीड़न हुआ, उसके लिए हम कैसे संघर्ष करें, हमारे लिए क्या दिशा निर्देश है उसके लिए। और दोस्तों, जो तमाम तरह की इस देश में घटनाएं आवाज उठ रही है, उस पर हम सब लोग विचार करके एक सामूहिक रूप से निर्णय लेकर के, जो अलग अलग संगठनों में बैठे हुए लोग हैं, गली गली के हिसाब से, कहीं बाबा साहब के नाम से, कहीं भगवान बुद्ध के नाम से, जो माता मंदिर छोटे छोटे संगठन बनाए हुए हैं, उन सभी संगठनों को एक प्लेटफॉर्म बना करके, एक दिशा में संघर्ष करके हम इस समस्या से कैसे निकाल पाए, इस पर हम आज विचार करें। तो इसके साथ साथ दोस्तों, बहुजन मूवमेंट, हम इसको सामूहिक रूप से बहुजन मूवमेंट के नाम से कह सकते हैं। तो बहुजन मूवमेंट में अलग अलग संगठन को लेकर के जो लोग चल रहे हैं, अलग अलग विचारधारा को लेकर के जो चल रहे हैं, और सबके छोटे छोटे उद्देश्य, कुछ संगठन का उद्देश्य है कि हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर संगठन बना लिया, हम इस कॉलोनी में नाली की लड़ाई लड़ेंगे या बिजली कॉम्प्रोमाइज की लड़ाई लड़ेंगे, खंजर लगाएंगे दोस्तों, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, और कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई बाबा साहब के नाम से बलात्कार बराबर बना लेंगे, ये हम सफलता प्राप्त कर लेंगे, हमारे संगठन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कुछ संगठन हमने बनाए हुए हैं कि हम दो चार दस पांच गली में इकट्ठा करेंगे, भगवान बुद्ध के प्रवचन कराएंगे, और हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कुछ संगठन ये भी काम करते हैं कि दोस्तों, हम अमुक संगठन के माध्यम से हजार दो हजार लोगों को बुला लेंगे, इसी पार्टी के नेता को बुलाएंगे, और हमारी पहचान हो जाएगी कि मेरे साथ इतने लोग मेरे पीछे काम कर रहे हैं, तो आप मेरी मेहनत को समझिए, मुझे मेहनत दीजिए, केवल नहीं तक सीधे तक संतुष्ट हो जाए। दोस्तों, मैं चंद शब्दों में कहना चाहता हूँ, हमें समस्याएं और समाधान पर विचार करना चाहिए। हमारे इस देश में जो समस्या है, मात्र तीन समस्या है, राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या और सामाजिक समस्या। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के अलावा चौथी कोई समस्या नहीं है। यदि कोई चौथी समस्या बताता हो तो मुझसे अकेले आगे बात कर सकता है। लेकिन दोस्तों, का समाधान होगा कैसे? सबसे पहले मैं सामाजिक समस्या की बात करता हूँ, और सामाजिक समस्या में दोस्तों, इस देश में सारे देश में हर जाति पर जो शूद्र समाज से संबंध रखती है, इस देश की मूल निवासी जातियां हैं, उन हर जातियों को जो जुल्म ज्यादती होती है, वो एक सामाजिक समस्या है। एक आर्थिक समस्या है दोस्तों, कि हम गांव देहात दिल्ली में जो आ गए, गांव देहात छोड़ करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब्जी का ठेला लगाया, कमाल चुनने का काम किया, मेहनत मजदूरी का करने का काम किया, चाय बेची, फुकड़े बेचे, दोस्तों हमने मेहनत करके ये मुकाम हासिल कर लिया कि दिल्ली में छोटा मोटा मकान बना लिया, सर छुपाने की जगह बना ली, और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का काम किया। लेकिन दोस्तों, ये हमारी आर्थिक तरक्की किसी सरकार की देन नहीं है, हमारी पर्सनल लिमिट हमारी ये मेहनत करनी है। इसे तो कोई सरकार नहीं श्रेय देना चाहती है कि हमने इस देश में सरकार बनाई और भोजन के हित का काम किया, ये योजना बनाई, ये लागू की, इसलिए बहुत से समाज के लोग आज तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों, वो झूठ है, वो झूठ है, क्योंकि अगर सरकार के योजनाओं से हम तरक्की कर रहे होंगे, आज दोस्तों 70% जनता हमारे गांव देहात में रहती है, और गांव देहात में जो भोजन समाज के लोग रहते हैं, जो दलित समाज के लोग रहते हैं, दोस्तों उनकी कंडीशन क्या है हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जो उत्पीड़न गांव देहात में होता है, वही सबसे ज्यादा होता है शहरों में, खास उत्पीड़न नहीं होता। एक शहरों का हम लगभग अच्छे कपड़े पहन करके निकलते हैं, हमारे माथे पर नहीं लिखा हुआ है कि हम शुरू कास्ट से बिलोंग करते हैं या भोजन समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन गांव के बोलियों में तो हमारी अलग मान्य के हिसाब से पहचान है। इशारा टाइम पूरा होने वाला है दोस्तों, तो चंद शब्दों में, हालांकि 3 मिनट हुए हैं, तो चंद शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आर्थिक समस्या को हम सब स्वयं निपटेंगे, राजनीतिक समस्या यदि हमने दूर कर ली तो बाकी दो समस्या हमारी पंजाब सुंदर दूर हो जाएगी। दोस्तों, धार्मिक आंदोलन के नाम पर बात करना चाहूंगा, आज हम सारे देश में भगवान बुद्ध के नाम पर धार्मिक आंदोलन चला रहे हैं, और धार्मिक आंदोलन में सबसे आगे इस देश का एक राज्य है जिसको पंजाब के नाम से जानते हैं। पंजाब में लगभग 35%
शुरू कांड के लोग बात करते हैं और पंजाब के लोगों ने इतना आगे बढ़ने धार्मिक आंदोलन में कि हर घर में रविदास जी की मूर्ति होगी, गुरुद्वारे जगह जगह है, तो धार्मिक आंदोलन पंजाब में चरम सीमा पर है, लेकिन राजनीतिक आंदोलन के नाम पर हम वहां पर जीव है। आज तक एक बार सरकार नहीं बनाई, तो शॉर्टकट में मेरा सिर्फ ये कहना है दोस्तों कि जब तक हम राजनीतिक आंदोलन नहीं चलाएंगे और राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक ये बाकी दोनों समस्या हमारी होने वाली नहीं है। छोटे मोटे आंदोलन करने के साथ साथ एक जरूर एक मछली की आंख इतने निशाना जरूर होना चाहिए कि जब तक हम इस देश की पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हमारी बाकी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। हम चाहे भीम आर्मी बना लें, चाहे भीम सेना बना लें, चाहे कोई भी संगठन बना लें दोस्तों, हम इस जुलमी सरकार का इस तरह के संगठन बना करके मुकाबला नहीं कर सकते। यदि करने की कोशिश करेंगे तो जेलों में घुस दिए जाएंगे, गोली मार करके मार दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, हम मैदान में रहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब के सारे मैदानी इलाके हैं, जो कि जंगल नहीं है, हम मैदान में रहते हैं। इस तरह के संगठन बना करके हम सरकार से दुआ लेने की कोशिश करेंगे, दोस्तों जेलों में बंद कर दिए जाएंगे। हमसे ज्यादा भयंकर तरीके से जो प्रताड़ित होते हैं, सदियों से प्रताड़ित होते आए हैं, उनको हम आदिवासी कहते हैं, जो समस्याएं हमारे मैदान में है वही जंगल में हमारे आदिवासी भाई की समस्या है दोस्तों। उन्होंने इसी तरह से संगठन बनाए, हथियार उठाने का काम किया, उनको नक्सली का नाम दे दिया और नक्सली के नाम पर रोज वो मारे जा रहे हैं केवल अपनी जमीन की सुरक्षा करने के लिए। हम तो हथियार नहीं उठा सकते, यदि हम हथियार उठाएंगे दोस्तों उनकी तरह नक्सली बन जाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से शॉर्टकट नहीं कहना है यार, आरएसएस की बात आई है, एक दो मिनट और दोस्तों, आरएसएस अपने आप को इस देश में राष्ट्रवादी संगठन कहती है। जो लोग आपसे बहस करते हैं उससे भी कई बार बहस होती है आरएसएस के लोगों से कि भी आरएसएस देश में राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्रवाद संगठन है। इस देश में जब किसी दलित समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है, उसकी जाति के आधार पर, चाहे वो मंदिर में जाए, मंदिर के गेट पर अत्याचार होता है, कहीं कोई खेत खलिहान में अत्याचार होता है, तो यही आरएसएस के लोगों को कभी आपने नहीं देखा होगा, उस दलित की आवाज उन्होंने नहीं उठाई, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे सड़क पर हो, कहीं आवाज नहीं उठाई। और आजादी से पहले संगठन ना एक भी आरएसएस का भक्कर इस आजादी की लड़ाई में कोई शहीद हुआ हो उसका नाम बताने का काम करे। तो आरएसएस केवल और केवल इस देश में ब्राह्मण का राज स्थापित करना चाहती है, उनका यही एक मकसद है। और दोस्तों जब हम अपने आपको बहुजन मूवमेंट कहते हैं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बहुजन मूवमेंट चलाने के लिए हमको दलित शोषित समाज के साथ साथ बैकवर्ड को अपने साथ मिलाना होगा, उनको समझाना होगा, शायद हम वो काम अभी कर नहीं पा रहे हैं। चंद मिनट में अगर पूछ लूँ इस मिनट में कितने लोग बैठे हैं, इसमें कितने लोग बैकवर्ड के राहत समय का ध्यान रखें, बहुत लोग याद नहीं हुआ, इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें अपने साथ साथ बैकवर्ड के लोगों को जोड़ने की। समय समाप्त हो चुका है, इन्हीं सब बातों के साथ सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमस्कार।